बात पूछूं? पूछो बेटे। आप इस उम्र में पढ़ रहे हैं? हाँ? पता नहीं आपका पढ़ाई मन कैसे लग जाता है, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं लगता। सोचता हूँ पढ़ाई छोड़ दूं और पिताजी के साथ खेतों में लग जाऊं। गन्ने के खेत हैं, थोड़ा काम करो, खेलो और गन्ने चूसो। बेटे ये गन्ने चूसना बड़ा महंगा पड़ेगा, अरे पछताओगे तब, मेरी उम्र में आओगे जब। जब मैं छोटा था तुम्हारी तरह था ना, तो मैं भी ऐसा ही सोचा करता था, मैं भी बड़ा नटखट था। मैंने एक दिन अपने स्कूल मास्टर की पतलून में मेंढक डाल दिया, वो उछला कूदा नीचे गिर गया, उसका चश्मा टूट गया और गुस्से में आकर उसने मुझे स्कूल से निकाल दिया। उसके बाद मैं कभी स्कूल नहीं गया और पढ़ लिख नहीं सका। ना पढ़ने की वजह से आज मुझे कितनी मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, क्या बताऊं। काश मैं उस वक्त पढ़ लिया होता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। ईस्ट का ऑक्सफोर्ड की नगरी कहे जाने वाले इलाहाबाद ने वैसे तो काफी पहले लोगों को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिला दी थी, मगर अब ये लोगों को दूसरी आजादी दिलवाने में जुटा है। यानी कि ये शहर उन लोगों को साक्षर बनाने में लगा है जिन्होंने कहने को तो आजादी पा ली, लेकिन आजादी का सुख क्या होता है उससे वंचित रह गए। कोशिश है कि साक्षरता के जरिए लोगों में आत्मनिर्भरता के साथ साथ वो सोच भी भर पाएं कि वे विकास के कार्यक्रम में भागीदार हैं। यहाँ के जो रहने वाले हैं वो अपनी पानी की समस्या, बिजली की समस्या, नाली की समस्या, सफाई की समस्या, इन समस्याओं में वो इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि उनको जो साक्षरता जो उसका मौलिक विषय है, उस पीने के पानी की समस्या, इस समस्या में उतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि उनके पास न इतना समय है, न इतनी एनर्जी है, न उनके पास इतने संसाधन है कि वो साक्षरता के कार्यक्रम की ओर ध्यान दें। लेकिन अक्षरों के जरिए दूसरी आज़ादी की कहानी यूं ही नहीं शुरू हुई। चूंकि यह जनपद प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, इसलिए दिक्कतें भी हजार थीं। एक तो कुल साक्षरता दर 40% के आसपास थी, ऊपर से महिलाओं में यह दर आधी से भी कम थी। दूसरी बात, पिछड़ा हुआ इलाका था, सड़कें टूटी फूटी थीं और आमदनी का एकमात्र जरिया खेती बाड़ी था। तीसरी बात, ज्यादातर आबादी गाँवों में ही रहती थी, इसलिए लोगों में जातिगत भेदभाव मौजूद था। चौथी बात, महिलाएं घरों के अंदर दुबकी पड़ी रहती थी, उन्हें ये भी पता नहीं रहता था कि बाहर की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। पांचवी और सबसे बड़ी समस्या थी कि निरक्षरों में पढ़ने लिखने के प्रति रुचि का अभाव था। खासकर गांवों में तो ऐसी जगह का भी अभाव था जहां पर अनपढ़ों को पढ़ाया जा सके। और तो और 15 से 35 आयु वर्ग के लोग जो लोग किसी कारण से पढ़ लिख नहीं सके थे, वे अपनी रोजी रोटी कमाने में लगे थे। इन्हें अगर पढ़ने के लिए कहा जाता तो वे तरह तरह के सवाल उठाते कि पढ़ने लिखने से क्या फायदा होगा, क्या सड़कें और बिजली की परेशानी हल हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, वगैरह वगैरह। पढ़े लिख के का करिए, अपन किसानी देख ले तब तो पढ़ी लिखी, पढ़ाई लिखाई में कुछ ना है हमका लोग के। किसान का लड़का किसानी कर अब खाब के स्कूल जाए। माँ काम धंधा करत रही थी तो अब इसे फुर्सत नहीं पाई, अपन बाल बच्चा जाए स्कूल। संपूर्ण साक्षरता अभियान की सफलता के लिए सबसे पहले लोगों के बीच साक्षरता का माहौल तैयार करने पर जोर दिया गया। ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक साक्षरता समिति बनाई गई। कोशिश ये की गई कि जिन लोगों को साक्षर किया जाना है उनके बीच ऐसी तड़प पैदा की जाए कि वे खुद ब खुद साक्षरता केंद्र पर पढ़ने के लिए चले आए। गाँव मोहल्ले में उत्साही लोगों की टीम तैयार की गई जो घर घर जाकर लोगों को साक्षरता के महत्व के बारे में समझाते। व्यक्तिगत संपर्क किए गए, गांव के स्तर पर सभाएं और गोष्ठियां की गईं, दीवारों पर साक्षरता संबंधी नारे लिखे गए, प्रभात फेरियां और साइकिल रैलियां निकाली गईं, लोक कलाओं के माध्यम से साक्षरता का संदेश गांव गांव तक फैलाया गया। यही नहीं, लोगों को साक्षरता से जोड़ने के लिए कई अनूठे तरीके भी अपनाए गए। 15 अगस्त के दिन क्या शहर क्या गांव, हर जगह निरक्षर लोगों को आगे रखकर जुलूस निकाले गए। गांव-गांव में साक्षरता वृक्ष लगाए गए। देहात में सरकारी ऑफिसर जाते और रात में गांव में ही ठहरते। साथ ही ये भी ऐलान किया गया कि कोई भी निरक्षर अगर अपने दस्तखत से कमिश्नर या कलेक्टर को चिट्ठी लिखता है तो उसका काम तुरंत हो जाएगा। ये भी ध्यान रखा गया कि ये अभियान दूसरे सरकारी कार्यक्रम की तरह न बनकर रह जाए बल्कि एक जन आंदोलन का रूप ले ले। हर जगह साक्षरता का अलख जाग उठा तो समस्या आई जनपद में निरक्षरों की पहचान की। गांव देहात सर्वे किए गए, ऐसे समर्पित व्यक्तियों का चयन किया गया जो निरक्षरों को पढ़ा लिखा सके।
फिर साक्षरता केंद्र के लिए स्थान और समय का चयन सीखने और सिखाने वालों की सुविधा अनुसार तय किए गए। लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर किताबें तैयार की गईं। स्लेट व किताबें निरक्षरों के बीच मुफ्त बांटी गईं। लोगों के हाथ में कलम पकड़ा करके उनको हमने लिखना सिखाया। अच्छा बताइए आपका नाम क्या है? लोगों ने बताया मेरा नाम राम है। तो देखो पकड़ो कलम। लोग पकड़ने में लोग पहले घबराते रहे, इसके बाद उनका नाम हम एक कागज में एक जमीन में ही लकड़ी से लिख देते रहे, और जमीन में लकड़ी से लिखने के बाद हमका अच्छा इसी के ऊपर तुम हाथ अपना फिराओ। पढ़ने लिखने को मजेदार बनाने के लिए क ख ग को खेतों से जोड़ा गया ताकि उनका मन पढ़ाई में लगा रहे। लेकिन फिर देखा गया कि पुरुष तो कक्षा में आने लगे हैं पर महिलाएं आने में संकोच कर रही हैं। सामाजिक व्यवस्था कुछ इस तरह थी कि महिलाओं को अक्षर की दुनिया में झांकने का मौका ही नहीं मिलता था। मोहल्ले में ये जाते थे कि मतलब दो एक लोग तो ऐसा हुआ कि उन्होंने जो करीबी थी भेज दी, जो पीछे की थी, जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा ऐसा है कि मेरी लड़कियाँ बाहर नहीं निकलती हैं और बाहर निकलने में काफ़ी लोग मतलब उल्टा सीधा पड़ोस के लोग कहते हैं। तो हमने कहा देखिए घर में कोई हम बाहर नहीं लिया जा रहा, अपने घर में पढ़ाएंगे। बस साक्षरता समिति वालों ने मन में ठान लिया कि सफलता मिलनी ही है, सो महिला अक्षर सैनिक घर घर गईं। औरतों को समझाया गया कि कैसे वे पढ़ने लिखने के बाद आत्मनिर्भर बन पाएंगी और बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से कर सकेंगी। साक्षरता केंद्रों पर मेहंदी प्रतियोगिता कराई गई ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस बहाने भी साक्षरता तक पहुंच सके। महिलाओं के काफिले ने जब एक बार साक्षरता केंद्रों की ओर आना शुरू किया तो पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया। अब जो मौका मिला है साक्षरता कार्यक्रम के नाते पढ़ने के लिए तो वो इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी कर रही हैं। इसमें उनको लग रहा है कि हमें एक मौका मिल गया है तो हम इसमें उसको किसी तरीके से हासिल कर लें, उस चीज़ को पढ़ना लिखना जान लें और सारी चीज़ें समझ लें। तो इसलिए वो पुरुषों से कहीं आगे आ करके और इसमें हिस्सेदारी कर रही हैं। जितने भी हमारे महिलाओं के सेंटर हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। गाँव में रहकर गुजर बसर करने वाली सरस्वती के पति पढ़े लिखे नहीं थे, माँ बाप गरीब थे, इस कारण वो बचपन में नहीं पढ़ पाई। लेकिन गांव में कक्षा लगने पर वो पढ़ने के लिए कक्षा में जाती है क्योंकि अब उसकी समझ में आ गया है कि पढ़ने लिखने से क्या क्या फायदे हैं। चिट्ठी आती है बाहर से, पढ़ नहीं सकते, दूसरों से पढ़वाते हैं, बहुत खराब लगता है। और हमको बच्चे भी जाहिल निकल रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, हम पढ़ लेंगे तो बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। इसी तरह आशा रात्रि में कक्षा चलाती है और दिन में घर का कामकाज करती है। यही नहीं, आशा ने अपने ससुर का नशा तक छुड़वा दिया है। आज भी मानते हैं कि बहू के पढ़ने लिखने की वजह से ही उनके घर में रौनक सी आ गई है। हम बहुत नशा पत्ती करते रहे और तब गोवी से खेती करते रहे और अब यह फायदा यह है कि यही में ट्रैक्टर वैक्टर ले लिए गए और वही वजह से जितना रहा सब नशा पत्ती छूट गए और हम दस्खत नहीं कर पावत रहा, दस्खतों का ले लेंगे। ये तो रही अक्षर ज्ञान की वजह से महिलाओं में आए बदलाव की एक झलक। पुरुषों में भी अक्षर ज्ञान का असर कम नहीं दिख रहा है। गांव के लोग जहां पहले कोई भी काम के लिए सरकारी बाबू के पास अंगूठा लगाते थे अब दस्तखत करने लगे हैं। पंचायत की बैठकों में साक्षरता की चर्चा होती है, लोग मिलजुल कर गाँव की तरक्की करने में लगे हैं। बात यही नहीं खत्म होती। पहले जब राम खेलावन की तबीयत खराब होती थी तब वो ओझा के पास झाड़ फूंक के लिए जाया करता था। जब पढ़े लिखे नहीं थे तब ओझा के पास जाया करते थे। क्यों जाते थे? झाड़ फूंक कराने। पर जब से उसने अक्षरों की दुनिया में कदम रखा है तब से वह डॉक्टर के पास जाने लगा है। अब जब पढ़ लिख गए तो अब हमें समझ में आ गया कि ये बेकार रहा, तब फिर हम डॉक्टर के पास जाने लगे। यही तो है असली आजादी की कहानी। सरपंच जी क्या हुआ, आप रो रहे हो? अरे मुझसे मत पूछ मेरा हाल, दारू ने मुझे कर दिया बेहाल। ऐसी पड़ी बीवी की झाड़ू की मार, अंग अंग टूट गया हमारा। हुआ क्या? अरे हुआ ये कि कल रात को मैंने बहुत पी ली, मेरी बीवी को आया गुस्सा, उसने उठाया झाड़ू और दे मारा और इतना मारा कि मैंने कसम खा ली कि आइंदा कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अच्छा हुआ कि छूट गई। अरे दारू है ही चीज बुरी, कितने घरों को इसने बर्बाद कर दिया फिर भी लोग बाज नहीं आते। अब तो साक्षर औरतों ने इस बुराई के खिलाफ लड़ने की ठान ली है। अब तो शराबी पतियों की शामत आ गई है, घर घर में पतियों के बैंड बज रहे हैं। आपका तो कल रात ही बैंड बज गया। चबे
राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान यानी नीपा ने पिछले वर्ष राजस्थान के 20 विद्यालयों को अध्ययन के लिए चुना। इनमें एक ही सरकारी स्कूल था, गांव कोटड़ा का राजकीय माध्यमिक विद्यालय। नीपा जो संस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत, उसने केस स्टडी के लिए राजस्थान के 20 विद्यालयों को चुना, जिसमें कोटड़ा एक पहला एक ऐसा विद्यालय है जो अकेला गवर्नमेंट स्कूलों में अकेला पूरे राजस्थान में। ग्राम कोटड़ा सीकर झुंझुनू सीमा पर बसा एक बड़ा गांव है और गर्व से सीना ताने खड़ा ये विद्यालय इस गांव के गौरव का प्रतीक है। आज इस विद्यालय के छात्रों का परीक्षा परिणाम 100% रहता है। वजह यह है कि अभिभावक अब पढ़ लिख गए हैं, वे समझ गए हैं कि शिक्षा क्यों जरूरी है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के साक्षरता अभियान के शुरू होने से पूर्व यहाँ हालात कुछ और थे, इन्हें गिने बच्चे ही विद्यालय में आते थे। शुरू से लेकर जैसे 4-5 साल के बच्चे से लेकर के और 80-90 साल तक के बुढ़े तक को साक्षरता अभियान पढ़ाया गया, और उसमें सबसे बड़ी तब्दीली ये हुई कि घर में जितने छोटे बच्चे थे उनका नामांकन करवाया। यूं तो साक्षरता अभियान में कोटड़ा अपने जिले का सर्वप्रथम साक्षर गाँव है, लेकिन शुरू शुरू में साक्षरता कक्षाओं को चलाने में यहाँ भी बड़ी दिक्कतें थी। शराब एक मूल बुराई की तरह व्याप्त थी और शराब पीकर औरत को भेड़ बकरी की तरह हांक ले जाना एक आम बात। इस नव साक्षर बूढ़ी का कहना है कि शराब से साक्षरता में बाधाएं पड़ती थी। पढ़ने लिखने के बाद में भी बस कोशिश तो करी, बस बन हो जाए तो ठीक ही है, कोई पढ़वा का कोई पढ़ाई नहीं होती है। ठेका बदली यहाँ बदमाशी होती थी, बच्चा पढ़ता था, यहाँ 10-20 आदमी भेड़ा हो जाता, हाय उलट मजा देता, दारू पी लेता और रात में लुगाई बीरबानी भी परेशान रहती कि दारू पीता बैठा सुर दारू पीर गांव में जाता और फैताल करता, हर गांव हर बच्चा हर औरत सब परेशान थी। ये सच है कि ये जागृति ये उजाला साक्षरता की ही देन है और इस जागृति ने यहाँ के समाज पर गजब का असर दिखाया है। इन औरतों ने हिम्मत कर घूंघट को उलट फेंका और शराबबंदी के खिलाफ उठ खड़ी हुई। हिम्मत तो करी थी, जब तो बने आना तो चलते हैं, रात तू पीता बार घोड़ा मचाता, कोई पढ़ता नहीं है, कोई पानी का समस्या में पानी नहीं लाती, पानी नहीं है, पढ़े हैं तो पट्टी फोड़ गए, रोटी शराब पी के आऊँ पट्टी फोड़ गए बाबू जी, तो बस वो पानी का सो क्या कोई दुखी थी जी। जिला के आदेश पर नियमों के विरुद्ध जाकर भी देशी शराब की ये लाइसेंस शुदा दुकान बंद कर दी गई। गाँव वालों ने एक सूत्री मांग रखी कि साहब ये शराब से शराब के ठेके से बड़ी परेशानी है, और विशेष करके महिलाओं ने मांग की कि ये शराब का ठेका बंद होना चाहिए, तो जिला कलेक्टर ने जो है ठेका बंद किया, तभी से आज तक ठेका लाइसेंस शुदा दुकान है वो बंद है। इस गांव में आई जागृति ने स्वयं को ही रोशन नहीं किया, कोटड़ा से प्रेरणा पाकर मावंडा के लोग भी पढ़ने लगे। गाँव नाथ के नांगल में भी शराब के विरुद्ध निर्णय हुआ। अध्यापक सागरमल इसे नौजवानों में चेतना का परिणाम मानते हैं। युवकों में जो है जोश आया और उन्होंने जो है इसके लिए आवाज उठाई और गांव के गणमान्य व्यक्ति ने बैठकर कहते किया कि जो है शराब का ठेका यहां से बंद होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये सभी साक्षरता कार्यक्रम आने के बाद में जैसे हमने यहां कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए हैं और उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत जो है इस प्रकार के प्रोग्राम दिखाए गए कि उससे जो है ये बताया गया उसमें कि शराबबंदी से ये होता है, नशा करने से ये होता है, तो उससे जो है नवयुवकों में चेतना आई। गौधारक रामजीलाल इसे सहज नहीं मानते, कहते हैं पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ी। आखर भवन जो है ना वो खोले गए और उनमें बच्चों को सेट किया गया, जैसे वहीं के मोहल्ले वाले हैं, औरतें हैं, अगर लड़कियों से पढ़ना चाहते हैं तो लड़कियों को सेट किया गया और लड़कों से पढ़ना चाहते हैं तो लड़कों को सेट किया गया, जैसे उनके परिवार में एक पढ़ा लिखा बच्चा है स्कूल में जाता है तो उनको ही उन्हीं के मतलब सेट कर दिया गया, जिससे कि उनको कोई भी ऐसा मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो कि इनके साथ में नहीं पढ़े या पढ़े। मतलब गांव के अंदर ऐसे निरक्षरता बहुत ज्यादा है और फिर धीरे धीरे जब लोगों की महिलाओं को हमने उकसाया और लोगों की जागृति देखी, महिलाएं शुरू शुरू में तो इससे मतलब थोड़ी नानुकर करी, लेकिन धीरे धीरे जब उसके लाभ बताए गए तो उनमें जागृति हुई। साक्षरता को लेकर सबसे पहला प्रश्न ये था कि जिम्मेदारी संभाले कौन। तब मिंटू, सुमित्रा और ममता जैसी आखर सेनानी और ईच वन टीच वन के तहत कॉलेज छात्र आगे आए। स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाते ईच वन टीच वन के तहत, स्कूल टाइम में 1 घंटा निकाला जाता था प्रशासनिक स्वीकृति लेने के बाद में, वो स्कूल के पूरे बच्चे जाते थे, या 739 जो निरक्षर हैं इस गांव में निरक्षर थे उनको ईच वन टीच वन के तहत एक एक लड़का एक एक निरक्षर को पढ़ाता था। जहाँ खुद पढ़ रही ममता ने कईयों को पढ़ाया, वहीं बसंती को तो उसके बच्चों ने पढ़ने को प्रोत्साहित किया।
यहाँ खाता बंद रोज आती रोज जा मम्मी पढ़ क्या। ये नवयुवती तो अपनी इच्छा से पढ़ी और ग्यासी तो इतनी खुश जैसे उसे सब कुछ आ गया। पहले कोई आती नहीं अब सब कुछ हवला हवला। ये बूढ़ी भी पढ़ लिखने की कद्र आखिर समझ ही गई। दरअसल यहाँ साक्षरता की कुछ ऐसी हवा चली कि इन्हें गिने ही इस अक्षर ज्ञान से वंचित रहे। हमारे पड़ोस में एक औरत है बिल्कुल अनपढ़ थी और साक्षरता जब कार्यक्रम चला उसने जो है पढ़ाई लिखाई शुरू की और वो इतना अच्छा पढ़ लिख लेती है कि आराम से जो है पत्र लिख लेती है, आराम से पत्र के ऊपर एड्रेस वगैरह कर देती है और अच्छे लंबे छोड़े हिसाब किताब भी गणित वगैरह के कर लेती है आराम से। साल भर पहले या दो साल पहले जब ये अभियान नहीं चला था उस वक्त में अगर ऐसा होता तब तो सक्सेस होना मुश्किल था। आज हर आदमी मतलब शिक्षित हो गया और ये समझने लग गया कि हर आदमी को पढ़ा लिखा होना चाहिए। गांव कोटरा का ये बूढ़ा सरपंच प्रभात भी पढ़ा और खुशी की बात ये है कि साक्षरता से आई समझ के फलस्वरूप पहली बार इस गाँव में पंचायत बिना किसी विरोध के चुनी गयी। साक्षरता का हिसाब से हर आदमी ने जान होगो, हर बच्चा बच्चा ने जान होगो, हर औरत ने जान होगो कि साक्षरता में ये गुण है कि आप साक्षरता हो या तो आपने सारी चीज को ज्ञान होगो कि निर्विरोध बनावांगा तो आपने कोई लड़ाई झगड़ो नहीं होगो, कुछ गवर्नमेंट ने भी फायदा होगो, आपने भी कुछ फायदा होगो, जनता ने फायदा होगा, निर्विरोध चढ़ांगा तो फायदा होगो। लोगों में समझ बढ़ी और एक साथ बैठने लगे, उसका नतीजा ये हुआ कि अब की बार जो पंचायत इलेक्शन हुआ उसमें पूरी पंचायत निर्विरोध चुनी गई। जिले का सर्वप्रथम साक्षर गांव निपा द्वारा चुने जाने का गौरव, शराब की बंद दुकान और निर्विरोध निर्वाचित पंचायत के अलावा यहां के समाज में साक्षरता का जो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला वह तो आश्चर्यचकित कर देने वाला है। अब यहां किसी की मौत पर कोई मृत्यु भोज नहीं देता, उतना ही पैसा इस विद्यालय का कमरा बनवाने और मरम्मत में दान कर देता है। ये शुरुआत ही अनोखी है। मृत्यु भोज बंद हुआ उसके बदले में मृत्यु भोजन करके स्कूल में मकान बनाया गया। जैसे ये ऊपर का मकान है ये अपने पड़ोस में ही क्रिपली गांव का एक निवासी है मान सिंह, उसने अपने बाप के मृत्यु भोजन करके और मकान बनाया। यही वजह है कि आज इस गांव में खुशहाली है, कमाई के पर्याप्त साधन हैं, सभी के घर साफ सुथरे और रहन सहन सलीकेदार हैं, बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, शराब इनके लिए पाप है। सच कहें तो साक्षरता का सही मायने यही है और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की सफलता भी यही है। क्या सरपंच जी आपकी बातों की वजह से मुझे देर हो गई? अरे मैंने कब कहा था मेरी बातें सुनने के लिए, तुम्हारी वजह से मुझे देर हो गई। अच्छा अब बातें बंद और काम शुरू, मैं जाता हूँ अपने स्कूल। और मैं भी जाता हूँ अपनी साक्षरता कक्षा में। और हाँ सरपंच जी, अबे अब क्या हुआ? मैं अपने घर जाकर अपने दादा दादी को बताऊंगा और उनको ही पढ़ने भेजूंगा और हम सब फिर मिलकर गाएंगे गांव में कक्षा लग गई रे। बिहार की राजधानी पटना से तकरीबन 100 किलोमीटर दूरी पर बसा है सिवान जिला। यहाँ की 90% आबादी गांवों में बसती है। इनमें ज्यादातर लोग खेतीहर मजदूर और छोटे किसान हैं, जो आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। यानी कि न तो इन्हें पेट भर खाने को मिल पाता है, न ही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलता है और न ही इनके बच्चे स्कूल में शिक्षा हासिल कर पाते हैं। दूसरी समस्या है सो अलग, महिलाओं की स्थिति तो और भी खराब है। घर की देहरी ही उनकी जिंदगी है और उसी में वे अपनी जिंदगी गुजारती हैं। पूरा का पूरा समाज अपने पुराने मूल्यों में बंधा है। विकास का रोना ये है कि सिवाय चंद जगहों के कहीं भी इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। नतीजा हर साल सैकड़ों लोग रोजी रोटी की तलाश में जिले से पलायन कर जाते हैं। सामाजिक तनाव और बेरोजगारी जैसी दिक्कतें तो आम बात है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत हुई तो एक नहीं कई सारी समस्याएं आन खड़ी हुई जिसके चलते काफी दिनों तक अभियान रुका रहा। नए पदाधिकारी आते हैं तो कार्यक्रम को जानने में और समझने में कुछ समय लग जाता है और जो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि वॉलंटियर को हम लोग उत्साहित करते हैं स्वयंसेवी बेसिस पर काम करने के लिए, उनको देते नहीं हैं और वे इस अभियान में लगे हैं एक उद्देश्य के तहत। ये कि हमारा अभियान का जो मुख्य नारा है संपूर्ण साक्षरता है माध्यम हमारा, ग्राम स्वराज है लक्ष्य हमारा, और जो समय बीतता है वे हम लक्ष्य को नहीं प्राप्त
करते हैं तो बहुत उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन पुरानी गलतियों से सबक हासिल कर फिर से जोरदार तरीके से अभियान शुरू किया गया। एक ही दिन में घर घर जाकर ऐसे लोगों की पहचान की गई जिन्हें साक्षरता केंद्र पर पढ़ाना था। साथ में निरक्षरों को पढ़ाने के लिए स्वयं सेवक भी तलाशे गए। इन चुने हुए स्वयं सेवकों को बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे 15 से 45 आयु वर्ग के लोगों को पढ़ाना है। साथ ही जिले से लेकर गांव स्तर पर साक्षरता समिति का गठन किया गया जिससे अभियान को सुव्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके। चूंकि गांवों में अधिकारियों का काफी दबदबा है सो इनकी भी मदद लेने से नहीं हिचका गया। मकसद बस यही था कि हर निरक्षर भाई बहन को साक्षर बनाना है, किसी को भी अब निरक्षर नहीं रहने देना है। दूसरा काम किया गया पढ़ने लिखने का माहौल बनाने का। साक्षरता का संदेश देते दीवारों पर नारे लिखे गए। नुक्कड़ चौराहों पर लोगों को समझाया गया कि पढ़ने लिखने से फायदे ही फायदे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी को ध्यान में रखकर हास्य से भरपूर नाटक गांव गांव प्रस्तुत किए गए। संदेश छिपा था, हर गांव को पढ़ना जरूरी है, चाहे वो गांव का चिल्ला हो या फिर बहरना। सुदूर गांवों में रहने वालों पर इसका कितना असर पड़ा ये दिखता है इनके चेहरे में छुपी मुस्कुराहट और चारों तरफ गूंजती तालियों की गड़गड़ाहट से। तभी आज गांव की दुर्गावती भी पढ़ती है और बताती है कि वह इसलिए पढ़ती है कि देश आगे बढ़े। पढ़ाई में भलाई है इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा बिहार, हमारा भारत आगे बढ़े और हमारा जो बच्चा है और होगा उसको भी हम लोग पढ़ा सकते हैं और वो लोग को भी आगे बढ़ा सकते हैं। वरना पहले तो हालात ये थे कि किसी से भी पढ़ने लिखने की बात कहिए तो वो एकदम से टकासा जवाब दे देता था। दिन भर अपन काम धंधा करनी सा, रात खन पढ़े के खोजते नहीं तो कहाँ से मिली। लमटे हम सरकार देती तो पढ़ती सा, किरासन तेल देती तो पढ़े के चाहिए तो अथी समाज से मिली दिन का तब ना पढ़ी, रात खान कहा अथी मिलता जी पढ़े सा। पर अब की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। क्या पुरुष क्या महिलाएं, हर किसी के अंदर कहीं न कहीं पढ़ने लिखने का चाव है। कोई नाम लिखने जानने के लिए पढ़ता है तो कोई अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। पहले के तो हम लोग तो स्कूल में लग गए थे, अभी से शौक जगह अभी पढ़ने के लिए, थोड़ा नाव गाँव जानने के लिए, अपने बाल बच्चा के पढ़ाने के लिए, चाहे घर में बैठा रहेंगे तो कुछ सिखाएंगे उसको, इसीलिए मानी कि मालिक बाहर में है तो बच्चा घर में पढ़े लिखे रहेंगे तो कुछ बताए लिखाएंगे इसीलिए। इसकी एक खास वजह ये भी रही कि पढ़ने वालों को ध्यान में रखकर उनकी अपनी जुबान भोजपुरी में अक्षर बाती किताब तैयार की गई। किताब में उन सारी बातों का जिक्र था जिससे होकर आम आदमी को रोजाना गुजरना पड़ता था। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो की गई वो ये कि इसके जरिए उन लोगों को सम्मान दिया गया जो सदियों से उपेक्षित थे। उन लोगों के पास जाने से जैसे परिवार में उसके परिवार के बच्चे जो हैं या दूसरे लोग हैं संबोधित करते हैं, चाची नानी काकी हरिजन परिवार के लोग हैं, उन लोग उस तरह हम लोग ने सम्मान दिया और अपने केंद्र पर बुलाकर उनको प्रतिष्ठा दिया, उनको सम्मानित किया, उनको सम्मान दिया, इसलिए वो लोग हम लोग से संपर्क जोड़ने में आनंद का अनुभव किया और वे लोग हमारे केंद्र से संपर्क जोड़ते गए और केंद्र पर आते गए, पढ़ने के समय आए और उन लोगों का पठन पाठन हम लोगों ने शुरू कराया। वैसे अब बात केवल स्लेट पर मकान और कंगना लिखने तक ही सीमित नहीं रही बल्कि इससे काफी आगे निकल चुकी है। जी हाँ, पर्दे में दुबकी रहने वाली महिलाएं जब अपनी बात रखने के लिए खुले वातावरण में संगठन बनाती हैं, अपने अधिकारों की बात करती हैं, तो कुछ ऐसा ही महसूस होता है। फायदा तो हो ही रहा है, जैसे गांव-गांव में समितियां खुल रही हैं ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, तो बहुत सा महिला तो रोजगार में जुड़ी हुई है, बहुत सा नहीं जुड़ी हुई है, इसलिए उनको जो नहीं जोड़ा गया है उनको हम लोग बुला कर जोड़ना चाहते हैं। आज साक्षरता की बदौलत महिलाओं में आई जागरूकता का ही परिणाम है कि गांव की महिलाएं टेलरिंग का प्रशिक्षण ले रही है ताकि आर्थिक रूप से वे भी किसी पर निर्भर ना रहें। उनको ये मालूम हो रहा है कि जो जनसंख्या
50% ऑलमोस्ट उनका है, लेकिन उनको अधिकार कुछ नहीं मिला है जैसा वो महसूस करती हैं। तो साक्षरता के माध्यम से उनका जो अधिकार है इसकी जानकारी उनको दी गई है, तो अपना अधिकार अब समझने लगी हैं। ऐसे वोट देना है, पहले बाहर नहीं आती थी, लेकिन अब वो समझती हैं कि उनके वोट का क्या महत्व है। और जब उनको एक तिहाई सीट मिल रहा है, लड़ाई लड़ने के लिए मौका दिया जा रहा है, तो अब ये बात उनको समझ में आती है, अपना अधिकार अब समझने लगी है। और ये सब संभव कर दिखाया है स्वयं सेवकों की टोली ने। इतने महत्वपूर्ण काम करने के बावजूद अहम नाम का शब्द इन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाया है। निपुण आदमी को हमको साक्षर बना देना है एकदम। हम इतना मैंने अपने गांव में ऐसी करते हैं जो निपुण आदमी हमारे गांव में मत रहे, सब लोग साक्षर बन जाए। पढ़ो लिखो भाई मेरी बहना, पढ़ो लिखो जी, आ ई क ख ग घ पढ़ो लिखो जी, आ ई क ख ग घ पढ़ो लिखो जी।